नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दीपिका पादुकोण से जुड़ी बड़ी अपडेट हम लेकर आए हैं आपके लिए, और वो ये है कि मुंबई से निकली हैं दीपिका अपने प्राइवेट जेट से। अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण को रणवीर सिंह के साथ देखा गया था, और अब इसके बाद दीपिका पादुकोण अचानक से मुंबई से बाहर गई हैं, और इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इन सबके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या एनसीबी के डर से गई हैं दीपिका पादुकोण मुंबई से बाहर? किस वजह से वो अचानक से मुंबई से बाहर गई? वेल, आपको बता दें कि ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर सकती है दीपिका पादुकोण। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कुछ नई ड्रग्स चैट हाथ लगी है। ये चैट एनसीबी को जया शाह से पूछताछ के दौरान हासिल हुई है, और इसमें एक डी नाम से नंबर सेव है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हो सकती है। और इसके अलावा इनका ड्रग चैट भी सामने आया है, और अब माना जा रहा है कि दीपिका पादुकोण अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर सकती है। इन चैट्स में डी नाम के नंबर वाले व्यक्ति ने के नाम के नंबर वाले व्यक्ति से गांजा और हैश की मांग की थी। माना जा रहा है कि के नाम का नंबर करिश्मा का है, जो कि क्वान कंपनी में एम्प्लॉई है, और साथ ही वो दीपिका की मैनेजर भी। अब माना जा रहा है कि सबसे दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जा सकती है, जबकि करिश्मा से जल्द ही पूछताछ की जा सकती है। बता दें, सुशांत केस में ड्रग चैट में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की थी। इस पूछताछ में सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा का नाम सामने आया था, और अब एनसीबी जया साहा से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं।